अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ए, लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग स्टडी करेंगे लेसन नंबर 3, द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन, एक दावतनामे की कहानी। इसकी ऑथर है ल्यूसी मॉट मॉन्टगोमरी। ल्यूसी मॉट मॉन्टगोमरी बच्चों के नावल लिखने के हवाले से बहुत फेमस हैं। उन्होंने तकरीबन 20 नावल्स और 500 शॉर्ट स्टोरीज और पोइम्स लिखी हैं बच्चों के लिए। और उनके फेमस नावल में से हैं एनी ऑफ द ग्रीन गेबल्स, जो उन्होंने 1908 में लिखा। उनका जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में गुजरा। उनके पेरेंट्स का बचपन में ही इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनके मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके नाना और नानी थे, उन्होंने इसकी परवरिश की और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में की। इनके बहन भाई भी कोई नहीं थे, जिसकी वजह से बचपन में उन्होंने एक इमेजिनेशन में रहना शुरू कर दिया। इस वजह से उनके अंदर एक क्रिएटिव स्किल पैदा हो गया कि वो बच्चों के लिए स्टोरीज लिखना उन्होंने शुरू कर दी। वो एज अ टीचर, उनका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन वो टीचर थी, लेकिन जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था तो वो बहुत सारी स्टोरीज और पोइम्स लिखती थी जो डिफरेंट मैगजीन्स और नॉवल्स में पब्लिश होते थे। चलिए अब आप लोग बुक्स पर आ जाएं, पेज नंबर 31। वर्ड्स मीनिंग से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने नीट कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं और इसे आपने लर्न भी करना है। फर्स्ट वन देखिए, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट कहते हैं कम्प्लीटली विदाउट मनी। दिवालिया या माशी बदहाली, जिसमें आपके पास बिल्कुल भी कोई पैसा ना बचे किसी काम के लिए, उसको बोला जाता है बैंकक्रप्ट। कैरमल एक स्मूथ यूवी कैंडी को कहते हैं, जो शुगर सिरप को ब्राउनिश करके उसमें कोई बटर या क्रीम ऐड करके उसको थिक किया जाता है और उसको फिर कैंडी और चॉकलेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। कमेंसमेंट कहते हैं ऐसी सेरेमनी को जिसमें स्टूडेंट्स को डिग्रीज दी जाती हैं। अ सेरेमनी एट विच द एकेडेमिक डिग्रीज आर कन्फर्ड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। कंडेम कहते हैं मजम्मत करने को, किसी चीज़ के बारे में आप नागवारी या शो करते हैं, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। कॉर्डियल बोलते हैं खुश दिली से, दोस्ताना तरीके से, वार्म सिंसियर एंड फ्रेंडली। डार्टमथ जो है वो कैनेडा का एक प्रोविंस है, नोवा स्कोशिया उसका सिटी का नेम है। डिप्लोमेटिकली टैक्टफुली सेंसिटिवली। डिप्लोमेटिकली का मतलब है कि कोई आप मामला बड़ा हसास है और उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, उसकी हसासियत का अंदाज़ा लगाते हुए अपनी विट्स को यूज़ करते हुए, तो इसको बोला जाता है डिप्लोमेटिकली। दीवान अ लॉन्ग बैकलेस सोफ़ा, एक बड़ा सा सोफ़ा जिसकी बैक नहीं होती, इसको दीवान बोलते हैं। डोनट आपको पता है केक टाइप होता है जिसको डो को फ्राई करके बनाया जाता है और रिंग शेप्ड होता है। ड्रजरी टीडियसनेस और अनप्लेजेंटनेस ऑफ द वर्क, क्या इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा मुशक्क़त या कोई ऐसा काम जो आपको ना खुशगवार लगे, उसको ड्रजरी बोलते हैं। गेलोर इन ग्रेट नंबर, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गेलोर। ग्रेव का एक मीनिंग तो कबर होता है, लेकिन आपने चैप्टर के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से इसका मीनिंग देखना है। ग्रेव का एक और मीनिंग होता है कि किसी का करैक्टर बहुत ज़्यादा डल हो, बहुत ज़्यादा संजीदा और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस किसी में पाई जाती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेव। मिन्स पाई, पाई आपको पता है कि पेस्ट्री की जो डो है उसको बेक करके ये बनाया जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं डिफरेंट चीज़ों की। मिन्स पाई मीन्स कहते हैं कीमे को, अगर पाई के अंदर मिन्स की फीलिंग हो, कीमे की फीलिंग हो, तो उसको बोलते हैं मिन्स पाई। अ स्मॉल राउंड पाई विद अ मिन्स फीलिंग्स। मॉर्निंग बोलते हैं किसी को सोग या किसी के साथ गम का इजहार करने के लिए, जो आप एक इजहार ताज़ियत किया जाता है उसको मॉर्निंग बोलते हैं, या सोग भी आप समझ सकते हैं। पाउंड केक एक ऐसा केक है जिसके इंग्रेडिएंट्स में 1 पाउंड फ्लावर और 1 पाउंड डिफरेंट फ्रूट्स ऐड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पाउंड केक। प्रोवर्बियल बोलते हैं जो प्रोवर्ब की नेचर का, ऑफ द नेचर ऑफ प्रोवर्ब, यानी जो मुहावरातन लफ्ज़ बोले जाते हैं उसको प्रोवर्बियल बोलते हैं। सोलमली का मतलब है बहुत ही मुखलिसाना तरीके से, सीरियसली ये सोबरली। ट्राइंग का मतलब है मशक्क़त करना, कोशिश करना। टक आउट कहते हैं ऐसे टाइम को, टाइम आउट टू ईट टक फूड। टक फूड खाने का जो टाइम होता है, टक फूड क्या होता है, जो टक शॉप वगैरह पे चीज़ें मिलती हैं जैसे पेस्ट्रीज, चिप्स और पिज़्ज़ाज वगैरह। विट्सफुली का मतलब है बहुत ही मायूस तरीके से, सैडली विद यर्निंग्स, बहुत मायूस और सैडनेस में कोई चीज़ कही जाए तो उसको बोलते हैं विस्टफुली। बर्था सदरलैंड हरिड होम, हरिड का मतलब है तेज़ी से आना। बर्था सदरलैंड तेज़ी के साथ घर आई फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से, एंड क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग स्कूल टू हर रूम ऑन द 3rd फ्लोर। सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने बोर्डिंग हाउस का अपने रूम में, जो कि 3rd मंजिल पर था, वहाँ गई। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जिसमें वहीं पर रिहाइश होती है, 1 डे स्कूल की तरह नहीं होते, आपने वहीं रहना होता है, आपको रूम्स मिलते हैं और फूड वगैरह भी स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक होम टाइप इन्वायरमेंट होता है उसमें। हर रूममेट कहते हैं रूम में साथ, जो आपका रूम शेयर कर रहा होता है आपका साथी, उसको रूममेट बोलते हैं। ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो लुकिंग आउट इन टू द ट्वाइलाइट। उसकी जो रूममेट थी ग्रेस मैक्सवेल, वो दीवान पे बैठी हुई थी। दीवान आपने अभी ऊपर मीनिंग्स में पढ़ा है, बैकलेस जो सोफ़ा होता है,
विंडो के पास पड़ा हुआ था और वो बाहर ट्वाइलाइट देख, ट्वाइलाइट कहते हैं जो शाम के टाइम रोशनी होती है, असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है उस टाइम उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस लाइट को बोलते हैं ट्वाइलाइट। अ ईयर अगो मार्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्फ रूममेट। एक साल पहले मार्था और ग्रेस डार्टमथ आई थी अपनी तालीम हासिल करने के लिए और यहाँ आके दोनों रूममेट्स बन गई। मार्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। मार्था जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, खूबसूरत थी, फेमस थी बहुत ज़्यादा और अपनी सारी क्लास फेलोज और टीचर्स की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। उसके मुकाबले में ग्रेस जो थी वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही खामोश रहने वाली बच्ची और हमेशा उसकी ऐसी ड्रेसिंग होती थी जैसे वो कोई सोग मना रही है। मॉर्निंग का मतलब होता है मॉर्निंग का सोग मनाना। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, उसकी आंटी जिसने उसकी परवरिश की थी, ब्रॉट अप का मतलब होता है परवरिश करना, उनका हाल ही में इंतकाल हो गया था। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाय विद द ब्राइट एंड ब्रिलियंट मार्था, बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स एंड द ईयर्स दैट फॉलोड वॉज वेरी प्लेजेंट वन। शुरू में जो ग्रेस थी वो थोड़ा सा शर्माई मार्था से, क्योंकि मार्था बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन जल्द ही वो दोनों आपस में दोस्तें बन गई, उनकी दोस्ती हो गई और उसके बाद जो पूरा साल गुजरा वो बहुत ज़्यादा खुशगवार था। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, ये तकरीबन ख़त्म होने वाला था, फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स हैड बिगन, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि सालाना इम्तहान या फाइनल एग्जाम जो थे वो शुरू हो चुके थे। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज द इन द हॉलीडेज, और एक हफ्ते में स्कूल ने हॉलीडेज़ के लिए, छुट्टियों के लिए बंद हो जाना था। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस सेड मार्था गेली, गेली का मतलब होता है खुश दिली से, खुशी से। ये लो कुछ चॉकलेट्स ग्रेस मार्था ने कहा, मार्था ने खुश होते हुए कहा। आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट डैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, उसने कहा कि मुझे आज रात एक ख़त्म मसूल हुआ है और मैं सोच समझ रही हूँ कि मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। फिटिंगली का मतलब होता है अपने हालात को देखते हुए किसी चीज़ को मुनासिब तरीके से करना, फिटिंगली कहलाता है। तो उसने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, आज रात एक लेटर रिसीव हुआ है और मैं समझ रही हूँ कि इसको मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स, तो मैं कार्टर कहते हैं मॉल को, शॉपिंग मॉल जिसमें आप कार्ट लेके शॉपिंग करते हैं उसको कार्टर बोला जाता है, और मैंने अपने सारे के सामने बचे हुए जो पैसे थे, स्पेयर कैश है जो बचा के रखे जाने वाली मनी होती है, उसको मैंने कैरेमल्स पे खर्च कर दिया। इट इज़ रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि टर्म तकरीबन ख़त्म होने वाला है। फॉर आई एम ओनली बैंकक्रप्ट, आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, और मैं तकरीबन जो है मेरे पास पैसे ख़त्म होने वाले हैं। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर द कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, मेरे पास सिर्फ इतनी ही रकम बची है जिससे मैं टक आउट के लिए जो है वो कमेंसमेंट नाइट के लिए सर्व कर सकती हूँ। कमेंसमेंट नाइट वो नाइट है जिसमें स्टूडेंट्स को डिग्रीज मिलती हैं या रिजल्ट डे आप समझ लें। टक आउट मैंने बताया था कि टक आउट कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो टक शॉप्स में मिलती हैं, उसको खाने का जो टाइम होता है जैसे पेस्ट्रीज, चिप्स और पिज़्ज़ाज वगैरह, उसके लिए मेरे पास सिर्फ रकम बची है जो मैं हट सकती हूँ। वट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, तुम्हारी अच्छी खबर क्या है क्या मैं पूछ सकती हूँ, सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट कॉमनली कॉल्ड आंट मैग आउट एट रिवर्सडेल, तुम जानती हो मेरी एक आंटी है मार्गरेट जिन्हें मैं आमतौर पे आंट मैग बोलती हूँ, रिवर्सडेल रहती हैं। रिवर्सडेल एक साउथ अफ्रीका में केप टाउन के पास एक सिटी का नेम है, एक छोटा सा टाउन है, सिटी नहीं है, छोटे से कस्बे का नाम है। डोंट यू, तुम जानती हो ना, देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में इससे अच्छी और फनी मजाहिया आंटी दुनिया में नहीं होंगी। आई हैड अ लेटर फ्राम हर टू नाइट, मुझे आज उनसे एक खत मसूल हुआ है, लिसन आई विल रीड यू वट शी सेज, सुनो मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ वो क्या कह रही हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे पास गुजारो। मेरी फेयर वैदर एंड द ल्यूसी फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग, मेरी फेयर वैदर, ल्यूसी फिशी और लिली डेनिस भी आ रहे हैं। सो देर इज़ जस्ट अ रूम फॉर वन मोर, तो एक और कमरा बच रहा है, एंड डैट वन मस्ट बी योर फॉर योर सेल्फ, और वो कमरा ज़रूर तुम्हारे लिए होना चाहिए। कम टू रिवर्सडेल वन स्कूल क्लोजेज, रिवर्सडेल आ जाना जैसे ही स्कूल बंद हो, एंड आई विल फीड यू ऑन द स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिन स्पाइस एंड ऑल द डिलीशियस इंडाइजेस्टिबल थिंग्स डैट स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर्स कंडेम, और मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज, क्रीम और पाउंड केक, डोनट्स, मिन्स पाइस और ये सारी मज़े की चीज़ें खिलाऊंगी जो आमतौर पे हज़म नहीं होती। स्कूल गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन आमतौर पे मदर्स इस चीज़ के खिलाफ होती हैं, उन्हें नहीं खाने देती। मैरी एंड लोई एंड लील आर द गर्ल्स आफ्टर यू,
आफ्टर योर ओन हार्ट. आफ्टर योर ओन हार्ट का मतलब जिनके लाइक्स और डिसलाइक्स आपके जैसे हों. तो मैरी लुई और लिल जो हैं वो तुम्हारे जैसे ही हैं. आई नो एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक. और मैं जानती हूँ तुम वही करोगी जो तुम पसंद करती हो. एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स गेलोर. इसके अलावा हम लोग पिकनिक्स पार्टीज और बहुत सारी खुशी मनाएंगे. देयर सेट बार्था लुकिंग अप विद अ लॉफ. इजंट दैट लवली. बार्था ने खुश होते हुए हंसते हुए ऊपर देखते हुए कहा कि कितना अच्छा है ना, कितना खुशगवार है. हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक डैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू, सेट ग्रेस विस्टफुली. विस्टफुली का मतलब होता है बहुत ही सैडनेस से. उसने सैडनेस से कहा कि कितना खुशगवार होगा कि तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए प्लान करते हैं. आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन. मुझे यकीन है कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत खुशगवार गुजरेंगी बार्टी. एज फॉर मी आई एम गोइंग टू क्लार्क्समैन बुक स्टोर अनटिल स्कूल रीओपन्स. और मैं क्लार्क्समैन की बुक स्टोर पर काम करूँगी जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते. आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टू डे एंड ही एग्री टू टेक मी. आज मैं क्लार्कमैन से मिली हूँ और उसने हामी भर लिया कि वो मुझे रख लेगा. बार्था लुक सरप्राइज. बार्था बहुत ज़्यादा हैरान हो गई. शी हैड नॉट नोन वट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर. वो नहीं जानती थी कि ग्रेस की वेकेशन के जो प्लान्स हैं, छुट्टियों की जो उसने प्लानिंग की हुई है वो क्या है. आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू डैट ग्रेस. मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ग्रेस ने कहा. शी सेड थॉटफुली. उसने कुछ सोचते हुए कहा. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट. तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इतनी पावरफुल ताकतवर नहीं हो, वो तुम्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है. इट विल बी ऑफली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्क्समैन ऑल द समर. ये बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होगा कि तुम पूरी गर्मियाँ क्लार्क्समैन की शॉप पे काम करोगी. देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस. ग्रेस ने कहा मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है. ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. उसने खुश होते हुए कोशिश की कि वो खुशी वाले अंदाज में बात करे. मतलब वो जाहिर नहीं करना चाह रही थी कि मैं परेशान हूँ इस बात पर. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. उसने कहा मैं इतनी ही गरीब हूँ जैसे कि कोई चर्च का माउस होता है. यानी बहुत ज़्यादा ये एज अ प्रोवर्ब यूज हुआ है, वर्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा गरीब. बार्टी एंड द सिंपल ट्रूथ इज डैट आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड्स ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न. उसने कहा कि सिंपल सच्चाई की बात यह है कि मैं अपनी बोर्डिंग हाउस की पेमेंट जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती. और तमाम समर क्योंकि वो पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा विंटर के लिए, सर्दियों के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं. और जब तक मैं कमाऊंगी नहीं तो मैं कपड़े भी नहीं खरीद सकती. आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम. मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ होंगी कि मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं होगा. लोनसम का मतलब है लोनली. एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग म्यूजिक लेटर्स फ्राम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी अ सेकेंड हैंड यू सी. उसने कहा कि मैं उम्मीद करूँगी, मैं तो रखूँगी कि तुम्हारी तरफ से मुझे न्यूज़ी लेटर्स आएंगे, ऐसी खबरों के हतूत आएंगे जिसमें तुम अपने बारे में मुझे बताओगी कि तुमने अपनी छुट्टियाँ किस तरह से गुजारी हैं और जो जो फन तुमने उसमें किया है वो तुम मुझे बताना. वेल होप आई मस्ट सेट टू वर्क एट डोज अलजबरा प्रॉब्लम्स. मुझे उन अलजबरा प्रॉब्लम्स पर काम भी करना है. आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क. मैंने रात से पहले भी उस पर कोशिश की थी बट आई कुडंट सॉल्व दैम. लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकी. माई हेड एक्ट. मेरे सर में दर्द हो रही थी. And I felt so stupid. और मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी. How glad I shall be when exams are over. कितना अच्छा लगेगा जब इम्तिहानात ख़त्म हो जाएंगे. I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. मेरे ख्याल से आज शाम मुझे senior English की दोहराई करनी चाहिए, Bertha said absently. Bertha ने गैर हाजिर दिमाग से कहा. But she made no move to do so. लेकिन ऐसा करने के लिए उसने आगे कोई जवाबी हरकत नहीं की. She was studying her friend's face. वो अपनी फ्रेंड का फेस स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, फेस रीड कर रही थी. कौन? बर्था. बर्था ग्रेस का फेस रीड कर रही थी. हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड. कितनी ही ज़्यादा वो जर्द और पतली और कमज़ोर लगती है. पेल कहते हैं जर्द को. कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक होने की वजह से जो उसके चेहरे पे एक पीलापन आ जाता है उसको बोलते हैं पेल. ग्रेस लुक्ड श्योरली मच पेलर देन थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी. किनन उससे बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा जर्द जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम एकेडमी में आई थी. एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन. लेकिन शायद उसके पास कोई और जरिया भी नहीं है कि वो दोबारा से प्लम्प एंड रोजी का मतलब होता है दोबारा से हेल्दियर और फ्रेश. उसके पास और ऐसे जराए नहीं है कि वो दोबारा से हेल्दियर हो जाए और फ्रेश हो जाए. आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड टू मंथ्स एट क्लार्क्समैन, थॉट बर्था. बर्था ने सोचा कि मेरे ख्याल से वो क्लार्क्समैन की दुकान पे दो महीने का जो है वो नहीं कर पाएगी या वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी. इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी. अगर मैं आंटी मैक के घर में ना जा रही होती तो मैं उसे कहती कि तुम मेरे घर आ जाओ
Or even if Aunt Meg had room for another guest, I would just write her all about the Greys and ask if I could bring her with me. या अगर आंटी मैग के पास एक और रूम होता, एक और मेहमानों का कमरा होता, तो मैं उनको लिखती कि वो ग्रेस को अगर अपने पास बुला सकती हैं तो मेरे साथ उसको भी बुला लें. आंट मैग वुड अंडरस्टैंड. आंटी मैग समझ जाएंगी. शी ऑलवेज अंडरस्टैंड. वो हमेशा समझ जाती हैं. बट शी हैजंट, सो इट कैन नॉट बी. अगर वो नहीं करती सब, अगर वो नहीं समझ पाती ये सब, मैनेज नहीं कर पाती आंटी, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बार्था'स ब्रेन. डार्टेड का मतलब होता है कोई सोच एकदम से आना. बार्था के माइंड में फ़ौरन से एक ख्याल आया. व्हाट नॉनसेंस, कितनी फजूल बात है. शी सेड अलाउड सो सडनली, उसने ऊंची आवाज़ में अचानक से कहा. एंड फोर्सिबली, और इतनी तेज़ी के साथ, डेट ग्रेस फेयरली जम्प, कि ग्रेस ने एकदम से छलांग लगा दी. व्हाट इज़, क्या है. ओह नथिंग मच, कुछ खास नहीं, सेड बार्था गेटिंग अप ब्रिस्कली. ब्रिस्क कहते हैं फास्टली. बार्था तेजी के साथ उठते हुए उसने कहा कि कुछ खास नहीं. सी हेयर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क. यहाँ देखो मैं अब काम के लिए जा रही हूँ. आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया है. शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश. उसने अपनी कर्ल अप का मतलब होता है टांगे बाजू समेट के बैठना. उसने दीवान पे टांगे बाजू ऊपर करके वो बैठ गई और अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगी. बट हर थाट्स वैंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसकी जो सोच थी वो एक आवारा जो है वो घूम रही थी. मतलब किसी एक जगह पे उसका माइंड फिक्स नहीं हो रहा था. वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोचों में घूमती. एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड. और आहरकार उसने ये सब कुछ मायूसी में छोड़, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, यानी उसने पढ़ना छोड़ दिया और सोने चली गई. देयर शी कुड नॉट स्लीप, और जहाँ वो सो भी ना पाई, शी ले अवेक एंड रेस्टेड विद हरसेल्फ. वो लेटी रही, जागती रही और अपने आप से एक लड़ाई करती रही. इट वॉज आफ्टर मिड नाइट, शी सेट अप इन बेड एंड सेट सोलमली, आई विल डू इट. अब ये आधी रात का वक्त था जब वो उठकर बैठी अपने बिस्तर पर, और उसने बड़े ही मुखलिसाना तरीके से कहा कि मैं ये करूँगी. नेक्स्ट डे बार्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग. अगले दिन बार्था ने एक खुफिया हाथ आंटी मैग को लिखा. शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस. उसने उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने दावतनामा उसको भेजा था, और सब कुछ ग्रेस के बारे में उन्हें बताया. एंड वट आई वॉन्ट टू आस्क आंट मैग इज डैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस. और जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि उसने अपनी आंटी मैग को मतलब हाथ लिख के ही कहा कि आप मेरा जो इन्विटेशन है वो ग्रेस को ट्रांसफर कर दें, और उसको कहें कि वो रिवर्स डे ला जाए इस गर्मियों में मेरी जगह पे. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे ना शुक्र मत समझना. नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स. और मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं समझेंगी, क्योंकि आप हमेशा चीज़ों को समझ जाती हैं. बट यू कैन नॉट हैव अस बोथ, क्योंकि तुम आप, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकती. एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मैं चाहूँगी कि मेरी जगह ग्रेस को जाना चाहिए. आई विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू. मेरे पास तो अपना भी एक अच्छा घर है जिसमें मैं खुशी से रह सकती हूँ. एंड शी हैज़ ना, लेकिन उसके पास नहीं है. आंट मैग अंडरस्टूड. आंट मैग ये सब कुछ समझ गई एज यूजुअल, हमेशा की तरह. एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, और उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी. शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर द ग्रेस. उन्होंने बर्था को हाथ लिखा और उसमें एक नोट लिख के ग्रेस के लिए उन्हें भेजा. आई शेल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था. बर्था के माइंड में ख्याल आया कि मुझे ये सारे मामले को बहुत ज़्यादा मुहतात रह के हल करना होगा. ग्रेस मस्ट नेवर सपोज सस्पेक्ट डैट आई डिड इट ऑन अ पर्पज. ग्रेस को बिल्कुल भी शक नहीं पड़ना चाहिए. सस्पेक्ट कहते हैं शक को. उसको ये शक नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने किसी खास मकसद के लिए किया है. पर्पज़ कहते हैं मकसद को. आई विल टेल हर डैड द सर्कमस्टेंसेज हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन. मैं उसे कहूँगी कि हालात ने मुझे मजबूर किया है, इस रोकने पर मजबूर किया है कि मैं आंटी जो मैग हैं उनकी उनका दावतनामा कबूल करूँ. डैट इज़ ट्रू इनफ, और यही सच है. नो नीड टू से डैट द सर्कमस्टेंसेज आर हर्स. ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके हालात थे. मतलब उसने कहा कि मैं उसको झूठ बोलूँगी. बार्था ने कहा कि मैं ग्रेस को झूठ बोलूँगी कि उससे ताकि शक ना पड़े कि हालात की वजह से मैं किसी भी वजह से नहीं जाना चाह रही, तो आप मेरी जगह चले जाओ. फिर उसने अपने दिल में कहा कि यही बात सच है कि हालात ही की तो वजह है. वो अलग बात है कि उसके हालात की वजह मेरे हालात की वजह नहीं है. एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैग टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड डैट शी हैज़ डन सो. और मैं उसे कहूँगी कि मैंने आंटी मैग को कहा था कि मेरी जगह आप उसको बुला लें, और इसी तरह से उसने किया. When Grace came home from her history examination that day, जब Grace उस दिन अपनी history का इम्तिहान दे के वापस आ रही थी, Bertha told her the story of and gave her Aunt Meg's cordial note. Bertha ने उसे सारी कहानी सुनाई.
और उसको आंटी मैक का जो बहुत ही मुखलिसाना एक खत था वो उसको जो नोट उन्होंने लिख के भेजा था वो उसको दे दिया। यू मस्ट कम टू मी इन द बार्थास प्लेस, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए बार्था की जगह, रोड द लेटर, लेटर में ये लिखा हुआ था, आई फील एज इफ न्यू यू फ्रॉम द हर लेटर एंड आई विल कंसीडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरी नीज एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू वर बार्था हरसेल्फ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जो बार्था ने हाथ लिखे हैं उस हवाले से तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम्हें एक ऑनरी नीस के तौर पे, ऑनरी नीस का मतलब होता है जब उसमें ब्लड रिलेशन ना हो, नीस कहते हैं भांजी को या भतीजे को, लेकिन ऑनरी नीस से मुराद है कि आप किसी को वैसे ही प्यार से भांजी या भतीजे बना लें जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, किसी फ्रेंड के रेफरेंस से या किसी के हवाले से। तो मैं तुम्हें अपनी ऑनरी नीस बनाने के लिए सोच रही हूँ एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बार्था हरसेल्फ, और तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक करूँगी जैसा कि मैं तुम्हें बार्था ही समझूँगी जैसा मैं बार्था के साथ करती हूँ। Isn't it splendid of the Mac, Aunt Max? आंटी मैक कितनी अच्छी है ना, एंड ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी, और मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर जाओगी ग्रेसी, और आई डोंट नो सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट, उसने कहा कि मैं नहीं जानती, इन बिविल्डरमेंट परेशान होते हुए, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम वाकई नहीं जाना चाहती बार्था? Indeed, the हकीकत I do want to go dreadfully, मैं वाकई वो शौक से जाना चाहती हूँ, said Bartha frankly, Bartha ने बेतकल्लुफ होते हुए कहा, but as I have told you, it is impossible, लेकिन मैं जैसे तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये नामुमकिन है, and if I am disappointed, Aunt Meg must not be, और अगर मैं मायूस होती हूँ तो आंटी मैग को मायूस नहीं होना चाहिए, you must go Gracie and that is all there is about, और तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यही सब मामला है जो तुम्हारे सामने है। In the end, Grace did गो, और आहरकार ग्रेस चली गई, अ लिटल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, थोड़ी बहुत परेशान थी, कन्फ्यूज थी, लेकिन फिर भी थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड द हीट ऑफ द सिटी, लेकिन वो थैंकफुल थी किसके लिए, टू एस्केप द ड्रजरी, एस्केप कहते हैं बच के निकलना, ड्रजरी कहते हैं मुशक्कत को, यानी वो मुशक्कत जो उसने काउंटर पर करनी थी, यानी क्लार्क्स मैन में उसने बुक शॉप पर जो जॉब करनी थी उस मुशक्कत से वो बच निकली थी, एंड द नॉइज एंड द हीट ऑफ द सिटी, और शहर के शोर से और गर्मी से। बार्था वेंट होम, बार्था घर चली गई, फीलिंग अ बिट ब्लू इन द सीक्रेट, थोड़ी बहुत वो परेशान भी थी, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, बट आल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर डैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम, लेकिन वो साथ साथ इस चीज़ को भी सोच रही थी, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी कि अगर मुझे ऐसा दोबारा भी करना पड़ेगा तो मैं दोबारा भी करूँगी, मतलब वो परेशान क्यों थी कि उसने जो है वो आंटी मैक की जो इन्विटेशन थी उसको डिनाई कर दिया था, लेकिन फिर उसको आया सोच के कि मैंने उससे ज़्यादा अच्छा काम किया कि मैंने अपनी जगह पर ग्रेस को भेज दिया। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, गर्मियाँ बहुत तेज़ी के साथ गुजर गई, एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बार्था, और आहर का दो हद जो है वो बार्था को मसूल हुए, वन फ्राम द आंट मैग एंड वन फ्राम द ग्रेस, एक आंटी मैग से और एक ग्रेस से। आई हैव हैड अ लवली टाइम रोड द लेटर, लेटर का मतलब है जिसका बाद में जिक्र हुआ है, ऊपर जिक्र हुआ है आंट मैग का और ग्रेस का, जिसका बाद में जिक्र किया है उसकी बात हो रही है। आई हैव हैड अ लवली टाइम, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, एंड ओ बर्टी डू यू व्हाट डू यू थिंक, और तुम क्या सोचती हो, आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, और मुझे यहाँ हमेशा, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी, ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, और किन मुझे अगले मंथ जो है वो अगले महीने स्कूल वापस आना है, बट दिस इज़ टू बी माई हाउस आफ्टर दिस, और इसके बाद से ये ही मेरा घर होगा, आंट मैग शी मेक्स मी कॉल हर डैड सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, आंटी मैग ने ही मुझे कहा है कि ये सब कुछ करो कि तुम मेरे पास रह लो। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, और आंटी मैग के हथ में ये पैराग्राफ था, ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस आपको हथ लिख रही है, एंड विल हैव टोल्ड यू डैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर, और वो आपको बताएगी कि मैंने उसको अपने पास रखने का इरादा कर लिया है। यू नो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी अपनी भी कोई बेटी हो, बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड नॉट गिव मी वन ऑफ देयर्स, लेकिन मेरे जो लालची बहन भाई थे उन्होंने अपनी जो है वो कभी भी बेटियाँ मुझे एक भी बेटी मुझे नहीं दी, सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेसी, सो मैंने इरादा कर लिया है कि मैं ग्रेसी को अडॉप्ट कर लूँगी, शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बच्ची है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर, और मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसको मेरे पास भेजा, यू विल नॉट नो हर वैन यू सी हर, शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, और जब तुम उसे दोबारा मिलोगे तो तुम उसे नहीं पहचानोगे क्योंकि वह दोबारा से हेल्थियर और फ्रेश हो गई है, प्लम और रोजी का मतलब है हेल्थियर और फ्रेश। बार्था फोल्डेड हर लेटर अप विद अ स्माइल, आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग डैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड,
पर्था ने अपना लेटर हंसते हुए रोल किया, फोल्ड कर दिया, दोबारा से बंद किया और उसके जहन में एक गैर यकीनी सी और एक अजीब सी खुशी थी कि मैं एक अच्छी और एक एंजल मानी जा रही हूँ स्टोरी बुक में। शी सेड, उसने कहा, अब अंग्रेज़ों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आप एंजल माने जाते हैं उनके हिसाब से, मतलब हमारे जो एंजल्स होते हैं वो उनका कॉन्सेप्ट एंजल्स के बारे में ये नहीं होता, उनको होता कि जिसने भी कोई अच्छा काम किया है वो स्टोरी बुक में एक एंजल के तौर पर माना जाता है।